नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आज नई संसद में स्पेशल सेशन के पहले ही दिन 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 पेश कर दिया है। ये बिल भारत की संसद में और सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के 33% रिजर्वेशन से रिलेटेड है। देखिए, इस बिल के अंडर प्रोविजन है, अगर ये बिल कानून बनता है तो फिर भारत की संसद में और सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं की भागीदारी होगी 33%, यानी संसद की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सभी सीट में से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। उन पर केवल महिला प्रत्याशी ही चुन कर आएगी और ये चीज दोनों कैटेगरी पर लागू होगी, रिजर्व सीट पर भी, यानी जो सीट रिजर्व है एससी एसटी लोगों के लिए, और जनरल कैटेगरी में भी। इस बिल को भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है। लेकिन देखिए, साथ ही इसमें एक रोड ब्लॉक भी है। मान लीजिए, अगर ये बिल पास होता है संसद के दोनों सदन में और ये कानून बनता है, तब भी इस बिल के जो प्रावधान है, यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, वो लागू होंगे आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल। यानी जब ये बिल पास होगा उसके बाद जो पहली सेंसस होगी और उसके बेसिस पर जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। देखिए, डिलिमिटेशन एक एक्सरसाइज है जो वैसे तो हर जनगणना के बाद होती है, यानी बढ़ी हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीटों का दोबारा से निर्धारण होता है। लेकिन सभी स्टेट में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आखिरी बार डिलिमिटेशन हुआ था 2001 में, 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002। उसके बाद संविधान के 84th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को सीज कर दिया गया है 2026 तक के लिए, यानी 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। अब 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा और फिर ये 33% रिजर्वेशन वाला बिल अगर कानून बन गया तो लागू होगा। इस बिल में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि शुरुआत में ये रिजर्वेशन 15 साल के लिए होगा इस कानून के लागू होने के बाद। बाद में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि वो चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है। इसके लिए संविधान में कई बदलाव किए जाएंगे, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सिचुएशन क्या है। देखिए, गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग भारत की संसद की लोकसभा में वैसे टोटल 543 सीट्स हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 542 मेंबर्स हैं और उसमें से सिर्फ 78 महिलाएं हैं। इसी तरह राज्यसभा में टोटल सीट है 224 और उसमें से सिर्फ 24 महिलाएं हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15% के आसपास है। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि भारत में महिलाओं की भागीदारी का जो परसेंटेज है सिर्फ 15%, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी कम है। यानी इन कंट्रीज में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है एज कम्पेयर टू भारत। देखिए, इसी चीज को लेकर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेशनल पार्लियामेंट, उसका डेटा अवेलेबल है। ये सभी कंट्रीज को महिलाओं की भागीदारी के अकॉर्डिंग रैंक प्रोवाइड करती है और इस मामले में 185 कंट्रीज में से भारत की रैंक है 140, जबकि अगर महिलाओं की भागीदारी को लेकर ग्लोबल एवरेज की बात की जाए तो वो है 26% और भारत में सिर्फ है 15%। इवन अगर पाकिस्तान की बात करें, जो 1956 से ही वोमेन रिजर्वेशन के लिए प्रयास कर रहा है, वहां पर भी महिलाओं की भागीदारी है फिलहाल 20%। पाकिस्तान ने 2002 में अपनी नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 17% सीट आरक्षित की है। इवन हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, उसने भी अपनी संसद में 350 में से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। वहां पर महिलाओं की भागीदारी का जो परसेंटेज है वो 21% है। और नेपाल में तो इस मामले में महिलाओं की हालत और भी ज्यादा अच्छी है। नेपाल में ये परसेंटेज है 33.09 एंड दिस इज वेरी क्लोज टू 1/3 सीट फॉर वुमेन जो नेपाल ने रिजर्व की थी 2007 में। वही देखिए, यूनाइटेड स्टेट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है अराउंड 29% और यूनाइटेड किंगडम में अराउंड 35%। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में टॉप पर है रवांडा, यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अराउंड 61.3%। वहाँ पर 80 में से 49 सीट महिलाओं के पास हैं। सेकंड नंबर पर है क्यूबा विद 53.4% रिप्रेजेंटेशन। थर्ड नंबर पर है निकारगुआ विद 51.7%। इवन यूनाइटेड अरब अमीरात में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अराउंड 50% और 40 में से 20 सीटें महिलाओं के पास हैं। और देखिए, भारत जैसी कंट्री में अगर महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15% है तो ये आंकड़ा सच में निराश करने वाला है। इसीलिए भारत सरकार ने संसद में ये बिल पेश किया है। अगर ये बिल कानून बनता है तो 33% के अकॉर्डिंग लोकसभा की 543 सीटों में से 181 पर महिला सांसद होंगी।
इसके लिए संविधान के आर्टिकल 330A में एक क्लोज ऐड किया जाएगा, विच हैज प्रोविजन टू रिजर्व सीट फॉर वुमेन भारत की लोकसभा में। इसी तरीके से संविधान के आर्टिकल 332A को भी अमेंड किया जाएगा और फिर भारत के सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व होंगी, इंक्लूडिंग द SC/ST सीट्स। आर्टिकल 239AA में भी संशोधन किया जाएगा। इसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली की असेंबली में भी महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व होंगी। भारत सरकार ने इस बिल को नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मतलब एक्ट टू वर्शिप वुमेन्स पावर। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि ये बिल अनैनिमसली पास होना चाहिए, यानी सभी के समर्थन से और बिना किसी विरोध के। हालांकि देखिए, इस चीज को लेकर भी सरकार में और ऑपोजिशन में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये बिल सर्वसम्मति से पास हो पाएगा और भारत में सचमुच महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।